दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका फोन कोई भी व्यक्ति चुरा लिया है या फिर आपका फोन खो गया है तो ऐसे में आप बहुत ही आसान तरीके से दूर संचार विभाग के पोर्टल पर आकर अपने फोन को ब्लॉक करवा सकते हैं। अब जैसे आप अपने फोन को ब्लॉक करा रहते हैं तो इससे आपको यह फायदा होगा कि जो भी व्यक्ति आपके फोन को चुराए होंगे वो फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या फिर जो भी व्यक्ति को आपका फोन मिलेगा वो फोन जो सो यूज नहीं कर पाएंगे, वो फोन बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो ऐसे में यह फायदा होगा आपको कि ज्यादा ही चांस रहेगा कि आपका फोन आपको मिल जाए। अब जब आपका फोन आपको मिल जाएगा तो आप फिर से दूर संचार विभाग के पोर्टल पर आकर अपने फोन को अनब्लॉक भी करा सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फोन ब्लॉक कराने के लिए कैसे आवेदन करेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपका फोन खो गया है या फिर चोरी हो गया और आप अपने फोन को ब्लॉक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है sanchar-saathi.gov.in। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक योर लॉस्ट मोबाइल, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो अब यहां देखिए टोटल आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो पहले नंबर में दिया गया ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहां देखिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें कि जो भी जानकारी आपसे मांगा जा रहा है वह सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दर्ज कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका मोबाइल चोरी हुआ है और उस मोबाइल में जो भी मोबाइल नंबर यानी कि जो भी कंपनी का सिम था, जो भी मोबाइल नंबर था, वो कंपनी का सिम आपको डुप्लीकेट निकलवा लेना है, वो जैसे मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अब आप कैसे जैसे इसके लिए आवेदन करेंगे, किस तरह से अपने फोन को ब्लॉक करा पाएंगे उसके बारे में आप पूरे विस्तार से जानिए। सबसे पहले दोस्तों कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर आपका चोरी हुआ है उसमें दो मोबाइल नंबर है, तो पहले में जो मोबाइल नंबर थे वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर एंटर करें वो मोबाइल नंबर का आप डुप्लीकेट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद उस फोन में अगर दूसरा भी कोई सिम लगाए, दूसरा भी कोई मोबाइल नंबर लगाए तो वो दूसरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पहले जैसे आपको फर्स्ट आपको यानी कि जैसे कि एक फोन में दो सिम लगता है तो दो IMEI नंबर होते हैं, तो पहला IMEI नंबर यहाँ पे लिखना है और दूसरा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है कि कौन से ब्रांड के, कौन से कंपनी का आपका मोबाइल था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी कंपनी का होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी का आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे उस कंपनी का कौन सा मॉडल था, तो जो भी मॉडल होगा वो मॉडल का जो आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। अब नाम लिखने के बाद दोस्तों के यहाँ पे आपको जो सो परचेज इनवॉइस बिल यानी कि जो मोबाइल खरीदे होंगे तो उसका जो सो आपको बिल होगा, तो बिल है तो आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, खाली छोड़ देना। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको लॉस्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि कहाँ पे चोरी हुआ है या फिर खो गया है उसका आपको यहाँ पे जानकारी भरना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको लॉस्ट का प्लेस, किस जगह चोरी हुआ है या खोया उस जगह का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम बता देना है, कितने तारीख को और कितने बजे से कितने बजे के बीच हुआ है, तो वो एक अनुमानित डेट बता देना है। यहाँ से आपको स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह से स्टेट का नाम सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ से पुलिस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना है, तो जब आपका फोन चोरी होगा तो आप जो भी पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज कराए वही पुलिस स्टेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आप पुलिस कंप्लेन करेंगे तो आपको एक FIR कॉपी दिया जाता है, तो जो FIR कॉपी होगा उस पर FIR नंबर होते हैं, तो वो FIR नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। आप फोन ब्लॉक करा रहे हैं तो आपको पहले FIR कराना ही होगा, तभी आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पुलिस FIR नंबर एंटर कर लेना है और चूज फाइल पे क्लिक करके आपको वो FIR कॉपी का स्कैन कॉपी आपको अपलोड कर लेना है। अब अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे जो मोबाइल चोरी हुआ उस मोबाइल का ओनर का पूरा डिटेल भरना होगा। तो ओनर डिटेल क्या क्या भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ओनर का नाम लिखना है, यहाँ पे ओनर का फुल एड्रेस लिख लेना है।
उसका यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इस तरह से आधार आईडी यानी आधार कार्ड पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। तो जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ से आपको आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करें, आधार कार्ड अपलोड करें तो यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर कर लेना है। वोटर कार्ड या पैन कार्ड जो भी सेलेक्ट करें वो जो आपको आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे ही कैप्चा एंटर करना है। और कैप्चा एंटर करना दोस्तों यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा उसके बाद सिंपली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि जो मोबाइल नंबर उसमें लगा था वही मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना होगा, तो पहले डुप्लीकेट सिम निकलवा लीजिएगा। अब जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक है तो उस मोबाइल पे आपको जो सो ओटीपी जाएगा, यानी कि जो डुप्लीकेट सिम निकलवाएंगे उस पर ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आपको जो से एंटर करना होगा और ओटीपी एंटर करने के बाद इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करें तो आपका सफलतापूर्वक रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करने के बाद यानी कि 1 से 2 दिन के बाद आपके फोन को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसका आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए आपको सिंपली इस तरह से बैक होना है। अब बैक होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों जो आपको रिक्वेस्ट आईडी मिलेगा वो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में बताया गया कि ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, यानी कि आपके फोन को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया गया, प्रोसेस्ड हो चुके हैं। और यहाँ देखिए नोट में बताया गया कि यू विल बी नोटिफाइड थ्रू SMS व्हेन डाटा ऑफ मोबाइल इज रिसीव्ड, यानी कि जैसे ही मोबाइल हमें मिलते हैं तो हम आपको SMS के माध्यम से नोटिफाई कर देंगे, मैसेज भेजेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल रिसीव कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगर आपका फोन मिल जाता है तो ऐसे में आप अपने फोन को अनब्लॉक भी करा सकते हैं। तो अनब्लॉक कराने के लिए यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनब्लॉक फोन मोबाइल, इस पे आपको क्लिक करना है और जो भी जानकारी आपसे मांगा जाएगा वो सभी जानकारी दर्ज करके अपने फोन को अनब्लॉक करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी ऐसा मोबाइल जो चोरी हो जाता है या फिर खो गया तो उस फोन को आप ब्लॉक करा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।